हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलरिटी इन कोवलेंट कंपाउंड। ये हमारा मेन आर्टिकल होगा जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। भाई कोई भी कंपाउंड है, पोलर है या नॉन पोलर है, वो चीज को हमें समझना है। लेकिन ये पोलर या नॉन पोलर को कैसे समझेंगे, उसके लिए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे लिए डायपोल। आप सभी जानते हैं डायपोल का मतलब क्या होता है। डायपोल का मतलब होता है टू अपोजिट साइन चार्ज आर प्रेजेंट एट फाइनाइट डिस्टेंस कॉल्ड डायपोल। तो क्या रहेगा डेफिनेशंस, टू अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बट इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट प्रेजेंट ऑन फाइनाइट डिस्टेंस कॉल्ड डायपोल, कॉल्ड डायपोल। हम उसे क्या कहेंगे, डायपोल कहेंगे। पहली चीज क्लियर है, यानी अगर आप डायपोल की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड तो वैसे ही डायपोल होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड की। कोवलेंट कंपाउंड में हम बात कर रहे हैं जैसे HCl, HCl। आप जानते हो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहां पर माइनस डेल्टा और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा। और अब क्या ये दोनों जो साइन है चार्ज के वो अपोजिट है, हाँ। मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ। क्या फाइनाइट डिस्टेंस पे है, हाँ। तो अब इसको हम डायपोल बोल सकते हैं, हाँ। फाइनाइट का मतलब एक होता है इनफाइनाइट, उसका अपोजिट फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस, और फाइनाइट का मतलब बहुत पास, एक फिजिबल वैल्यू, फिजिबल वैल्यू, हाँ। तो एक रियल वैल्यू आप बोल सकते हो इस जगह पास में, ठीक है ना, प्रेजेंट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो कुल मिला के हम यहां पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इन द कोवलेंट कंपाउंड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वन एटम बिकम नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे ये पार्शियल नेगेटिव, एंड अदर एटम बिकम पार्शियल पॉजिटिव, एट वेरी क्लोज डिस्टेंस, वेरी लिखे इसको मेरे साथ ही, क्लोज डिस्टेंस द पेयर ऑफ दिस, द अबव जनरेट पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डायपोल। इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे। यानी एच और सी एल हमारे लिए एक डायपोल का काम हो गया, इसको हम डायपोल बोल सकते हैं यहां पर, सही है। तो पहले तो हमने ये समझा कि डायपोल हम किसे बोल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत पास है उसे डायपोल बोलेंगे। तो क्या आप एफ एफ एटम को डायपोल बोल सकते हैं, नहीं, समझ में आ रहा है, नहीं बोल सकते। तो आप ही मेरे को बताइए इस पे अगर कोई पॉइंट बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है। एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर डायपोल, ऑप्शन फर्स्ट सीएल सीएल,
सेकेंड एच एच, थर्ड ओ माइनस ओ माइनस, फोर्थ एच एफ। क्या यहां डायपोल बनेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है? जीरो, कोई है ही नहीं, दोनों सिमिलर एटम है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ओ माइनस सेम है, ये भी नहीं है, एच एफ ये है, तो ये डायपोल बनाएगा। क्लियर है? पक्का? और भी ऑप्शंस में रख सकता हूं, फोर फाइव। अगर हमने यहां पर लिया CO2, क्या यहां डायपोल है या नहीं है? है, डायपोल है या नहीं है? मैं ये नहीं बोल रहा नेट डायपोल मोमेंट, मैंने डायपोल मोमेंट पढ़ा ही नहीं, डायपोल है या नहीं है। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है प्लस डेल्टा, इसकी वजह से यहां पर भी प्लस डेल्टा, तो यहां तो दो दो डायपोल है, तो बच्चा यहां गलती कर सकता है, बिल्कुल ये डायपोल है रखता है। सेवन बी एफ थ्री, क्या यहां है या नहीं है? है, यहां पर बी है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो ये तो तीन डायपोल रखता है, एक यहां, एक यहां और एक यहां। बोलो या सुनो, तो डायपोल है, हां है, बी एफ थ्री में भी है, पक्का? तो क्या आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं? सेवेंथ सी सी एल फोर में है, हाँ है, बिल्कुल है, इज दैट क्लियर? कहाँ नहीं होंगे? जब सिमिलर एटम्स होंगे बस तब नहीं होंगे, बाकी सब जगह होंगे। डायपोल होंगे, बिल्कुल हाँ होंगे। तो डायपोल का मतलब ही यहां पर होता है, जहां पर भी पोलर बॉन्ड है वहां डायपोल है, पक्का? डायपोल से मतलब होता है मींस पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड मींस पोलर बॉन्ड है या नहीं है, मींस डेल्टा ई एन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं है, बस खत्म। ये चीज का ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया लिया है कि यहां विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डायपोल और पोलर बॉन्ड, मीनिंग एक ही रहेगा, ऑब्लिक पोलर बॉन्ड। तो बहुत बच्चा बहुत आसानी से कर देगा, बच्चा ये कहेगा सर इसमें पोलर बॉन्ड नहीं है, है पोलर बॉन्ड है, भले ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड पोलर है, ठीक है। मुझ पे यहां पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां पर भी 100 न्यूटन का लग रहा है, क्या मेरे पे फोर्स नहीं लग रहा? लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो मैं नेट की बात नहीं कर रहा। अब तो ये पूछना है कि इस जगह कि मुझे मेरे पास इस जगह पोलर बॉन्ड है या नहीं है, है, तो दोनों का मीनिंग अलग है। अब बात आती है डायपोल मोमेंट की, तो हेडिंग डाल लीजिए अगला कंसेप्ट, डायपोल मोमेंट। सेकेंड डायपोल मोमेंट, समझ में आ गया? तो हेडिंग आपका क्लियर रहना चाहिए और वो रहेगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट है क्या आपके लिए? ध्यान से सुनना, हमने डायपोल पढ़ लिया, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
एंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डायपोल डायपोल यानी कि चार्ज के बीच के डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया डायपोल। सेकंड पॉइंट इसी के लिए हो जाएगा, डायपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी भाई अपने आप में डायपोल मोमेंट, डायपोल नहीं डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड, अगर कोई वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इज इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इज इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम। यानी आसान भाषा में बोला जाए तो माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा चार्ज, उल्टा लिख गए हम, इलेक्ट्रॉन डोनर, हाँ सही है, इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी छीनने वाला, तो डोनर पे क्या चार्ज आएगा प्लस और यहां पर एक्सेप्टर पे क्या आएगा माइनस, इज दैट क्लियर? हमने उल्टा लिखा है, किसने? केमिस्ट्री वालों ने। फिजिक्स में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी रहती है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं इन फिजिक्स द डायरेक्शन ऑफ म्यू, डायरेक्शन ऑफ म्यू इज माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा चार्ज, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया कि हम अलग डायरेक्शन ले रहे हैं फिजिक्स वालों से, ठीक है, कोई उससे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई ये चार्ज है जो ए एटम है और यहां बी एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस डेल्टा, और इसने लिए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस डेल्टा। तो हमने ये चार्ज रखा तो हमारे लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्यू डी ले लिया हमने, तो हमारे लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू की वैल्यू होती है चार्ज इंटू डी डिस्टेंस, तो एक तरह से डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डी हमारे लिए हो गया, समझ में आ रही है बात? तो जब हम कोई चीज निकालते, कोई वैल्यू निकालते तो उसकी यूनिट भी हम पढ़ते, तो यूनिट हमारे लिए क्या होगी? एक तो होता है एम केस यूनिट, एम केस में चार्ज की यूनिट क्या है? कूलोम मीटर। सीजीएस में क्या है चार्ज की यूनिट? कूलोम मीटर, कूलोम की जगह क्या आ जाएगा? ईएसयू, ईएसयू सेंटीमीटर। हम दोनों ही यूनिट को यूज नहीं कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री वाले हैं, हम अपनी बनाई हुई यूनिट करते हैं, यानी चैप्टर में जो काम आ जाती है उसको मैं चैप्टर यूनिट बोलता हूं, और वो है यहां पर डिबाई, डिबाई, और वन डिबाई इक्वल टू 10⁻¹⁸ ईएसयू सेंटीमीटर होता है, ईएसयू सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉनिक ईएसयू सीजी, सीजी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलोम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है? 4.8 इंटू 10⁻¹⁰ ईएसयू। तो कोई मुझे बताए 1 कूलोम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻¹⁹,
ये उस तरफ जाएगा, ESU। तो कौन सी बड़ी यूनिट है? MKS। जनरली MKS ही बड़ी होती है। तो आपस में कन्वर्ट करना चाहो तो आप ESU की जगह कर सकते हो और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो छोटा सा हेल्पिंग पॉइंट हुआ आपका, ये यूनिट तो हमारी यहीं खत्म हो गई थी। तो वन डिवाई, जब भी डिवाई दिख जाए आपको, आप उसकी जगह 10^-18 ESU सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या ESU को डिवाई में चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये आपके पास बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डायपोल मोमेंट आपको बताएंगे। चलिए इस पे एक एग्जांपल यहां पर बना सकते हैं हम। और क्या एग्जांपल बनेगा हमारे पास? पॉइंट पकड़ना। इन द ए बी मॉलिक्यूल इफ ए कंटेन प्लस 1/4 ई चार्ज, देन कैलकुलेट म्यू इन डी बाई इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इज 1.2 अंगस्ट्रॉम। ये किसी में भी दिया जा सकता है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, अंगस्ट्रॉम, मैं मना नहीं करूंगा। 1.2 ए बी आना चाहिए यहां पर। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपके पास ए बी है, इसके ऊपर ए के ऊपर 1/4 ई चार्ज है, इसके ऊपर -1/4 ई चार्ज है, बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है? 1.2 अंगस्ट्रॉम। तो आपको अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है? म्यू की वैल्यू क्या होती है? क्यू मल्टीप्लाई बाय डी क्यू लिख लो या डेल्टा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 1/4 ई, और डी की वैल्यू कितनी है? तो ई की वैल्यू भी रखते चले जाए यहां पर। किस में रखना पसंद करेंगे? ई की वैल्यू ई एस यू में। 4.8 × 10^-10। अब बताइए ये आपने किसको रखा? ई को रखा। 1.2 अंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में रखोगे, क्या आएगा वैल्यू? 10^-8। पक्का? तो यहां क्या यूनिट बनेगी? ESU सेंटीमीटर। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ये कितना हुआ आपके लिए? कितनी टाइम्स कटाइए? 4 से कितने कटेगा? 1.2। तो 1.2 कितना हुआ? 1.44 × 10^-18 ESU सेंटीमीटर। हाँ या ना? और जब ये रहा तो हमारे को मालूम है 10^-18 ESU सेंटीमीटर इक्वल टू डिवाई, तो 1.4 डिवाई आपका आंसर है। यूनिट पे अच्छा कमांड रखिएगा, बस लिखें इसको। तो हमने दो छोटे से टॉपिक अच्छे से कर लिए, एक डायपोल और दूसरा डायपोल मोमेंट। हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। इसकी एक एप्लीकेशन हमारे पास है और वो ये है कि कमेंट ऑन पोलरिटी ऑफ कंपाउंड। तो हेडिंग क्या रहेगा? कमेंट ऑन पोलरिटी ऑफ कंपाउंड, कमेंट ऑन पोलरिटी ऑफ कंपाउंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे लिए इसकी। ठीक है, कैसे हम इसको देखते हैं? अब ये जानते हैं बहुत सारे कंपाउंड है जिसके अंदर डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन फिर भी कंपाउंड जरूरी नहीं है पोलर हो या ना हो। ठीक है,
तो पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स देता हूं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है रिजल्टेंट डायपोल। रिजल्टेंट डायपोल आप अच्छे से जानते हैं कि दो फोर्स की तरह हम यूज कर रहे हैं इसको, म्यू वन और एक म्यू टू, समझ में आ रहा है, और उनके बीच में एंगल कितना है थीटा। तो आप भी बताइए मुझे रिजल्टेंट म्यू क्या रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, वेरी गुड। और यदि आप यहां पर इफ म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू हो जाता है, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू हो जाता है, तो म्यू नेट कितना होगा, टू म्यू कॉस थीटा बाय टू, हाँ या ना, नेट म्यू की वैल्यू कंपोनेंट लेके कर लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे लिए, तो दोनों बराबर है। तो अगर आप दोनों म्यू बराबर है, समझना, तो यहां 180 है, ये म्यू म्यू, तो क्या हो जाएगा, टू म्यू कॉस 90 डिग्री, तो नेट म्यू कितना हो जाएगा, कितने इंटेलिजेंट हो आप सब, जीरो, बिल्कुल सही बोला। और अगर 120 है, तो म्यू की नेट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, म्यू 120 है कॉस 60, बिल्कुल सही कहा, रूट थ्री म्यू, सही है, रूट थ्री म्यू। अगर 90 डिग्री है, बिल्कुल फिर सही कहा आपने, म्यू नेट की वैल्यू कितनी होगी, रूट टू म्यू। और अगर 40 नहीं 60 डिग्री है, तो म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू, अरे वाह, देखिए यहां पर कॉस 60 कितना हो जाएगा आपके लिए, हाफ, तो यहां आएगा आपके लिए म्यू, और यहां आएगा आपके लिए रूट थ्री म्यू, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कॉस 120 यानी कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू हाफ, तो ये आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं वैसे, बोलो यस, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया। तो आपके लिए ये बहुत इजी हो रहा है, हाँ या ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको फिजिक्स में वेक्टर में भी सीखने को मिले थे। अब आगे तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई, जीरो डिग्री पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू म्यू हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो बाय जीरो टू जीरो ही रहेगा, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वन। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूल के लिए। तो देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, पोलरिटी इन मॉलिक्यूल सेकंड पॉइंट रहेगा इसके अंदर, इसी के अंदर एप्लीकेशंस में नहीं, पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा है रिजल्टेंट म्यू, अब पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल रेगुलर शेप, ऑल रेगुलर शेप हैव एनी हाइब्रिडाइजेशन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस तरह से लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स विच आर रेगुलर इन शेप, रेगुलर इन शेप हैविंग जीरो नेट, जीरो डाइपोल मोमेंट, या हम बोल सकते हैं हैविंग
म्यू नेट जीरो एंड कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी है आपके पास कंपाउंड इज नॉन पोलर। तो जितने भी रेगुलर हैं, ठीक है, वो सिमेट्रिकल शेप के होते हैं और उनका नेट क्या हो जाता है, जीरो। एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले एसपी हाइब्रिडाइज का कोई भी एग्जाम्पल बताओ। बी सी एल टू सीओ टू बी एफ टू बी एफ थ्री, ये सब रेगुलर हैं विदाउट लोन पेयर। लोन पेयर है ही नहीं किसी में भी, समझ में आ रहा है। सी एच फोर एन एच फोर प्लस, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पोलर होगा, नहीं है पोलर, समझ में आ रहा है, रेगुलर शेप है। बी एफ फोर माइनस सी एफ फोर, समझ में आ रहा है बात, ये सब रेगुलर शेप है। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूं, पी सी एल फाइव एस एफ सिक्स और आगे जाता हूं आई एफ सेवन, ये सब रेगुलर हैं। ये देखो एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री डी थ्री और ये एस पी थ्री, ये एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी टू एस पी एस पी, मैंने वही लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया पक्का। सी एच थ्री प्लस एस पी वही है बी एफ थ्री की तरह एस पी थ्री, कोई दिक्कत आपको, सब में हाइब्रिडाइजेशन अलग है लेकिन सब रेगुलर है, किसी के पास भी लोन पेयर नहीं, आप देख लो। आर रेगुलर इन शेप, ऑल आर रेगुलर इन शेप, भले ही डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है मुझे उससे मतलब नहीं है, रेगुलर शेप यानी नो लोन पेयर प्रेजेंट प्रेजेंट एंड सराउंडिंग एटम्स आर सेम, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, ये हमारे पास हो गया। ऑल आर रेगुलर इन शेम शेप एंड ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर सारे कंपाउंड्स में आप सबसे पहले देखें कि उनका हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं, लोन पेयर नहीं हो और सराउंडिंग एटम सेम हो, बिना दिमाग लगाए आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नॉन पोलर, सही बोला नॉन पोलर। अब अगला पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूल इज नॉट रेगुलर बट सिमेट्रिकल इन शेप, मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर, पोलर नहीं है, नॉट रेगुलर बट सिमेट्रिकल इन शेप, सिमेट्रिकल इन शेप, शेप सिमेट्रिकल है, आर नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर होते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, जितना डायपोल अप उतना डाउन, बस कुल मिला के। एक एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है एक्सी एफ फोर, क्या लोन पेयर है, हाँ, कितने हैं, दो हैं, लेकिन आप ही खुद सोचिए कि क्या सिमेट्रिकल है, हाँ। तो ये देखिए तो सरी कि नेट डायपोल कितना हो जाएगा, जीरो। दूसरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, बेंजीन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, समझ में आ रहा है पक्का, अच्छे से
बस खत्म बात। तो ये सिमेट्रिकल है, इस कारण यहां पर बेंजीन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कुछ भी आ जाए, प्रीडी नहीं, जितने भी हैं मैं ले रहा हूं, भी जो लिया है वो समझ में आना चाहिए, सब सिमेट्रिकल है शेप में। तो इनका भी म्यू क्या होगा, जीरो होगा। कोई दिक्कत? इसी के अंदर अगर हम बात करें CH3, CH3, NO2, NO2, COO-, COO-, ये सारे कंपाउंड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं हम, आर सिमेट्रिकल। सो देयर म्यू बिकम जीरो एंड नॉन पोलर हो जाएगा। समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, OH, COOH या CHO या हेलोजन, अलग से लिखना पड़ेगा। आर नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है। इसके अलावा बच्चे ये सोचते हैं कि ये OH OH भी सिमेट्रिकल है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, नॉट सिमेट्रिकल है। इसमें भी आपका नेट डायपोल मोमेंट इस तरफ आता है और इस तरफ आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये दो एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद रख लो। तो ये पॉइंट सभी ऑल अबाउट आर नॉन सिमेट्रिकल। ऑल ऑफ अबाउट आर नॉट सिमेट्रिकल। आर नॉट सिमेट्रिकल सो दे आर पोलर इन नेचर, इन नेचर। ये बात ध्यान रखना, बेंजीन सिमेट्रिकल है सब जगह, प्लेनर है, सिमेट्रिकल है। आप खुद ही सोच लीजिए, जितने हाइड्रोजन इस तरह है पूरा सिमेट्रिकल है, एक ही प्लेन में है, पूरा सिमेट्रिकल हो गया प्लेन में। जितना डायपोल मोमेंट इस तरफ आएगा उतना ही इस तरफ जाएगा। तो ये अच्छे से पॉइंट्स क्लियर करते जाओ। फोर्थ पॉइंट, लिखें इसको, ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको कंपेयर करने कि इनके डायपोल मोमेंट हैं क्या। आपको क्या लग रहा है? पहला एग्जाम्पल देखो, यहां से लेके यहां तक सब सिमेट्रिकल है, तो सब बराबर है, और म्यू की वैल्यू क्या है? जीरो। बिल्कुल सही कहा, ये सब तो रेगुलर है और ये सिमेट्रिकल इन शेप है। यहां देखिए SF4 किसका ज्यादा होगा? इसका। ये कौन सा होगा? सीसॉ, एक लोन पेयर। बिल्कुल सही पकड़ा, जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और ये तो SP3 डीहाइब्रिडाइजेशन, और ये SP3 रेगुलर शेप है। अमोनिया एक लोन पेयर है, पिरामिडल है,
ये तो आपके लिए, इसके लिए तो म्यू की वैल्यू कितनी थी? जीरो। यहां पर भी म्यू की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। ये सब जीरो क्योंकि सब रेगुलर शेप है। OH की वजह से ये ज्यादा होगा। यहां बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसका म्यू जीरो होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, नॉट जीरो। यहां I3 प्लस और I3 माइनस, I3 माइनस का बिल्कुल सही कहा, जीरो। क्यों है? क्योंकि लीनियर है, लीनियर और सिमेट्रिकल है। आप अच्छे से जानते हो आई 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 ये माइनस, तीन लोन पेयर है जिसकी वजह से कंपनसेट कर लिया जाएगा, जीरो और ऊपर नीचे जीरो, कुल मिला के जीरो होगा। तो ये ज्यादा होगा। और I3 प्लस कैसा है बोलो जोर से, बैंट। XeF5 और P, इसका तो म्यू जीरो है ही। SP3D रेगुलर शेप, तो ऑब्वियसली यहां पर आपके पास एक लोन पेयर होगा और ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। कार्बोनेट बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप आएगी, ये माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा रेजोनेंस की वजह से सिमेट्रिकल है। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? जीरो। जबकि बाइकार्बोनेट जीरो नहीं होगा, तो इसका ज्यादा होगा। सिमेट्रिकल नहीं है, रेजोनेंस प्रॉपर नहीं है, सिमेट्रिकल है। SO2 बैंड शेप है, लोन पेयर है, और CO2 में कोई लोन पेयर नहीं है, सिमेट्रिकल है, जीरो। SO3 आपको लग रहा है बिल्कुल सिमेट्रिकल है? हाँ। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और जीनोन तीन, एक लोन पेयर आएगा, पिरामिडल हो जाएगा। SP3 पिरामिडल, SP3 में पिरामिडल है, एक लोन पेयर आती है, वैसे म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। SF6, SF4 सीसो, SP3 डी हाइब्रिडाइजेशंस, और यहां पर SP3 D2 हाइब्रिडाइजेशंस रेगुलर, और रेगुलर होते ही है म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। समझ में आ रहा है? तो अगर इन सभी एग्जांपल्स को देखा जाए तो हमसे पूछा जा सकता है किस जगह म्यू की वैल्यू सेम है। बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, म्यू की वैल्यू सेम है, ये रहा किस जगह म्यू की वैल्यू सेम है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, ये दोनों। यहां कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन है? SP3। और यहां कौन सा है? SP3 D2। दो लोन पेयर है फिर भी बराबर है। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये एग्जाम्पल बनेगा, और भी बहुत जगह आ सकते हैं। किस जगह और कहाँ आ रहा है बाकी? तो हाँ, इस कारण। तो ये सारे एग्जाम्पल क्लियर है? पक्का, बहुत सही एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल है जो ट्रिकी हैं, जिनके डाटा ही उनके आंसर है, तो उनको भी हम दो एग्जाम्पल को लिखेंगे। यहाँ पर हमने कहाँ तक कर लिया? 11 तक, 12। देखो, एक इजी है, HF, HCl, HBr, HI। किसका म्यू ज्यादा होगा? HI। गलत है, HF का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है? क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, और डी सबसे ज्यादा क्यू किसके लिए? इसमें, और सबसे ज्यादा डी किसके लिए? इसके लिए। तो जनरली क्या होता है? डी इज डोमिनेट, नहीं, जनरली क्यू इज डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर। तो
डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ एच आई, हाँ न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, तो बिल्कुल डी बड़ा रहेगा, तो डी बड़ा रहेगा तो म्यू बड़ा होगा, लेकिन चार्ज किस पे ज्यादा आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, समझ में आ रहा है? चार्ज किस पे ज्यादा होगा? फ्लोरीन पे। तो साइज डोमिनेट नहीं कर रहा, चार्ज डोमिनेट कर रहा है, ठीक है? तो हमेशा क्या चार्ज ही डोमिनेट करेगा? नहीं, एक्सेप्शन ऑलवेज प्रेजेंट इन केमिस्ट्री। तो 13 एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3CF और CH3Cl में, यहां पर सबसे ज्यादा CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br और फिर CH3I होता है। यहां पर ज्यादा होने के पीछे चार्ज की जगह डिस्टेंस डोमिनेट कर दिया, बाकी सब जगह चार्ज है, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। इसलिए यहां पर मैंने एक्सेप्शंस लिखा है, ये एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, समझ में आ रही है बात? दूसरी तरफ एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, CH4 CH3Cl, एक Cl आते ही डायपोल मोमेंट बढ़ गया, ये रेगुलर है, ये डिस्टॉर्टेड है, लेकिन उसके बाद एक और आने के बाद कम होने चालू, क्योंकि वो डायपोल मोमेंट को एक दूसरे को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। CHCl3 CCl4 और ये तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर में ही आ जाते हैं, म्यू इतना कम हो चुका होता है कि नॉन पोलर है, ठीक है? लेकिन ये तो जीरो हो गया, तो एक Cl आने के बाद बढ़ता है और उसके बाद कम होने लगते हैं, शेप की वजह से, 3D शेप है, आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, आपको ये एग्जांपल याद ही रखना पड़ेगा, ये दोनों एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, पॉइंट टू रिमेंबर, PTR याद रखना, नहीं बदलेगा, यही रखेगा, ठीक है ना? जैसे इससे बेस और कुछ भी नहीं आएगा, बस इनमें रखना है, बाकी सब जगह तो आपको क्यू को डोमिनेट करना है, हाँ या ना? ठीक है, तो मैंने पहले ही गारंटी ले ली कि मैंने ये जो 14 एग्जांपल कराए हैं, इसके बाहर कोई एग्जांपल है ही नहीं, करिए इनको।